दिखाया पूरी दुनिया को मुतासर की, और पाकिस्तान में जिस तरह से टॉप ट्रेंडिंग में जा रहा है, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तान के लोग इसके दीवाने हुए पड़े हैं। जो दिल्ली का एक्सप्रेस फास्ट बोलर मयंक यादव, वो 2021 में जो है दो लिस्ट ए मैचेस के बाद एलएसजी ने पिक किया, आप क्रेडिट देंगे इनकी फास्ट साइटेडनेस को कि उन्होंने उसको पिक किया, ही जस्ट बोल्ड अमेजिंगली, और बॉलिंग की है, बहुत तेज बॉलिंग की, मजा आता है आपको, बस सेंसेशन यही होती है क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स की होती है। वो हर बॉल मुख्तलिफ लेंथ पे कर रहा है, हार्ड लेंथ पे आगे स्लो और वन 150 पार कर गया, वो उसने लिटा दिया ओवर हाइप बॉलर्स को। और मैं तो सीधा सीधा कहूंगा, एक हम भुगत रहे पता नहीं कितने सालों से एक बॉल वाला, उससे बेहतर लग रहा है मुझे। मयंक यादव रॉक शोएब अख्तर शॉक तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बल्कि शोएब अख्तर रिकॉर्ड इज शॉक। मयंक यादव अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, इतनी जबरदस्त बॉलिंग मैंने नहीं देखी किसी यंगस्टर को इतनी इतनी बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करते हुए। और भाई उसने क्या बॉलें फेंकी हैं, 156 की बॉल कर गया लड़का, तेज बॉलिंग, 150 प्लस बॉलिंग करना लगातार, 6 बॉलिंग करना इजी नहीं है, हमने बहुत सारे बॉलर को देखे 155 से 145 पे आते हैं, फिर 145 से 155, ये मुश्ताक अली ट्रॉफी में T20 सिर्फ 6-7 खेले थे, 6.55 का इसका इकोनॉमी था। अच्छा हार्ड लेंथ पे हिट करता है, जस्टिन लैंगर की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जिस अंदाज से इसका बताया कि हमने खरीदा क्यों 20 लाख का, ऐसा लग रहा था उठा के डाल दिया कारखाने में, 20 लाख में ये मिल रहा है, 20 लाख का मैं अगर फर्ज करें मैच अगर हारिस होता, हारिस रहो फिर 5 लाख में बिक, डिंडा अकेडमी वाले नहीं ले रहे हो। और पाकिस्तान के ट्विटर में इस वक्त इन खतरात का इजहार किया जा रहा है कि ये लड़का जो है इसमें दमखम मौजूद है, बख्तर का कई सालों पुराना रिकॉर्ड एक इंडियन फास्ट बॉलर ब्रेक कर सके, बिलीव यू मी। अब हमारे पाकिस्तान में क्या, वो टेपिया और शहीन है, एक आधी बॉल 150 पे फेंक देंगे, लेकिन कंसिस्टेंट 150 पे नहीं फेंकते सर वो। ये मयंक यादव ने अपने 4 ओवरों में करके दिखाया और सिर्फ बॉल नहीं करा के गया 3 विकेट। नमस्ते सभी को और हमारा चैनल पर स्वागत है। आज हम आईपीएल 2024 के आरसीबी और एलएसजी के बीच के मैच के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि आप हमारे नए अपडेट से कभी भी पीछे ना रहे। तो चलिए क्रिकेट के बात करते हैं। आईपीएल में हर मैच कुछ नया लेकर आता है ना, लेकिन आरसीबी और एलएसजी के बीच का मैच वो तो कुछ अलग ही था। अब मयंक यादव के बॉलिंग के बारे में बात करते हैं, ये तो कमाल का था, उनका बॉल को कंट्रोल करने का तरीका और आरसीबी के बैट्समैन को परेशान करना, यह सच में शानदार था। मुझे लगता है क्रिकेट प्रेमी होने के नाते हमें ऐसे टैलेंट को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है आरसीबी को ऐसे हारते देखना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। लखनऊ सुपर जायंट सच में अपना बेस्ट गेम लाए और ये पल आईपीएल को इतना थ्रिलिंग बनाते हैं। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है इस मैच के ऊपर, हम रिएक्ट करने वाले हैं इस वीडियो पे एंड अपना ओपिनियन देंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो मयंक यादव और एलएसजी को उनका अनोखा परफॉर्मेंस के लिए हैट्स ऑफ करना चाहूंगा और सभी क्रिकेट प्रेमियों से बस यही कहना चाहूंगा कि गेम का मजा लेना ना भूले, क्योंकि हर मैच में क्या सरप्राइज हो ये भी कभी पता नहीं चलता। आरसीबी क्या कह सकते हैं, मतलब कि इस टीम को क्या कह सकते हैं, जीते हुए मैचेस हारना कोई आरसीबी से सीखे, सच्ची बात है, हारे हुए मैच जीत जाएंगे लेकिन जीते हुए मैचेस इनसे कोई सीखे, हारना सीधा मैच था। दिनेश कार्तिक को क्या सूझी थी पिच के ऊपर डांस करने की, एकदम पीछे का उन्होंने खेल दिया, सीधा वहां से मैच सारा खराब हो गया। जीते हुए थे मैच, उनको ये भी पता था कि रवि बिश्नोई ने आखिरी ओवर सेकंड लास्ट करना है, नवीनुल हक का एक ओवर पड़ा हुआ है, आपकी तो लॉटरी लगी हुई थी। उस मयंक यादव जब खेलने आता होगा ना, मैं गारंटी से कहता हूँ, गारंटी हर बंदे को ना अपनी जान के लाले पड़ जाते हो यार, हेलमेट पे ना मार दे, मेरे किसी चीज पे ना लग जाए, वो कहते हैं यार निकलो। इसके बाद पेस है, उसके पास ना शॉर्ट बॉल है जो मुंह के ऊपर आता है, ये बड़ी इसकी क्वालिटी है। ये मेरे जैसे हारिस शुरू में आके बड़ा जब आया था, बड़ा अच्छा हारिस बॉलर था, पेस के साथ बॉल करता था, ऐसे बॉल मारता था, यॉर्कर मुंह के ऊपर, ये वो खत्म हो गया, उसको चेंज करके रख दिया। अब मयंक यादव को किस तरीके से ग्रूम करेंगे तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिहाज से वो बड़ा शानदार किस्म का टैलेंट इनको मिल गया।
बस कहूंगा कि ये कोई कहता था तोहफा मिल जाना लॉटरी लग जाना वो इंडिया की लग गई है। आखिरी 15-20 साल में जितने एक्सप्रेस बॉलर देखे होंगे जैसे कोई भी आया फर्गिसन ले ले और ना जाने एक्सप्रेस फास्ट बॉलर जो भी हाँ ये बड़ी अहम बात है ये मैं आपको टेक्निकली 15-20 साल में जितने आपने एक्सप्रेस बॉलर देखे वो एक्सप्रेस होते हैं इंक्लूडिंग ओवर हाइप उमरान मलिक लेकिन उनका हमेशा इकोनॉमी रेट आप देखें T20 में 8-9 पे ही होता है अबे इसका इकोनॉमी रेट 6-7 पर ही है अंदर भी था और इसका IPL के डेब्यू में भी उतना ही रखा। दिस इज व्हाई दिस गाय इज वेरी 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 स्पेशल। और जस्टिन लैंगर की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जिस अंदाज से इसका बताया कि हमने खरीदा क्यों 20 लाख का ऐसा लग रहा था उठा के डाल दिया कारखाने में 20 लाख में ये मिल रहा है 20 लाख का मैं फर्ज कर रही है जी अगर हारिस होता दूसरा बॉलर उस लेंथ पे डालता कट लग जाता पर ये ऑफ द विकेट इतना तेज है क्योंकि एफर्ट बॉल मारता है बॉस। बढ़िया भाई बढ़िया। आरसीबी के साथ जो किया है जी आज महक ने ये जो है एक नई सेंसेशन जो है वो आ चुकी है। अब कह लेंगे मैच के ऊपर किसी का इतना शायद फोकस ना हो जितना जो है माइक के ऊपर जो है लोगों का फोकस रहता है कि कब आएगा और क्या करेगा और किस तरह से जो है फड़काएगा। तो लखनऊ सुपर जॉइंट ने आज जो है वो आरसीबी को बासानी जो शिकस्त दे दी है। बहुत ही कमाल किस्म की जो है लड़का बॉलिंग कर रहा है मैं तो उसको नई सेंसेशन देख रहा हूं इंडिया की तरफ से भाईजान। अभी तो ये इंडिया के अंदर इस तरह के अब के गोले और तोप के गोले निकाल रहा है यही जब जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा जब इंग्लैंड जाएगा क्या करेगा भाई तब मिस्टर अनप्लेएबल है भाई। कमाल की बॉलिंग किया भाई आज माइक यादव ने जिस तरीके से उसने 4 ओवर 14 रन 3 खिलाड़ी आउट भाई आरसीबी तो हार गया। लमरोर की बड़ी क्रूशल हिटिंग थी लास्ट मोमेंट पे जो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि इस गेम पे आगे जाए और आगे चैंपियंस लीग पे भी बात करेंगे वो आपने नहीं बताया। चैंपियंस लीग के वाले से बड़ी खबर आ रही है दोबारा से आ रही है लेकिन अली साहब मयंक यादव इस आईपीएल में वाहिद। मत भूलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को और मजे से देखते रहिए आईपीएल हाइलाइट्स और क्रिकेट अपडेट।